बाद मैंने आपको पिछले ब्लॉग में मकाई दिखाई थी, अब ये मकाई को काटा जा रहा है, उसका सैलेड बनाया जा रहा है। अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और इससे पहले एक और बात, ये सैलेड जानवरों के लिए होता है और जानवर इसको खा के हट्टे कट्टे हो जाते हैं, ये उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ है आप भी उन्हें खिलाएं तो इससे वो दूध भी ज़्यादा देने लग जाते हैं और उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। ये मैं ये मकई से बनते हैं, मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा। फिर इसे ना एक गोल जगह बना के उसमें डाल दिया जाता है, उससे प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया जाता है, वो भी मैं ये मूसा जा रहा है। ये पहले लोगों इन लोगों ने ये काटा है सैले, यहाँ से इस जगह पे भी मकाई थी उसको काटा गया और काट के रख लेते हैं और फिर ये यूँ उठा के लाते हैं। लाने के बाद इस मशीन में लगाते हैं। ये आपको मशीन भी दिखाते हैं, ये ट्रैक्टर के साथ चलती है। मैं आपको दिखा दूँगी, 40 दिन से पहले ना इसको निकाला नहीं जाता, ये अगर इसको हवा लग गया ना फिर ये सड़ कर ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप 40 दिन तक इसको बंद रखें और फिर आप जानवरों को जैसे मर्जी डालें। अगर आप 40 दिन तक बंद नहीं रखेंगे तो ये ख़राब हो जाए, अगर आप 40 दिन तक बंद रखेंगे तो ये एक जानवरों के लिए फास्ट फूड की तरह हो जाता है और फिर जानवर इसे बड़े शौक से खाते हैं। देखिए उसे प्रेस किया जा रहा है। चलिए चल के देखते हैं इसको कैसे प्रेस कर रहे हैं। इसके नीचे भी प्लास्टिक है, ऊपर भी इसके प्लास्टिक होगी और इसको 40 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। ये देखें बड़ी 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 प्लास्टिक खड़ी हुई है साफ, अगर इसको प्रेस ना करें तो ये ख़राब हो जाता है, सही वाला नहीं बनता। फिर इससे जानवरों की मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और
उनका गोश्त भी ज़्यादा आ जाता है उनके ऊपर ना, मोटे मोटे हो जाते हैं फिर, इसलिए इसको इस तरह से प्रेस करते हैं। रोज अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ। आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हर किसी नहीं भूलना। आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म।